नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। पिछले काफ़ी दिनों से हम मिल नहीं पाए हैं, लेकिन आज फिर एक छोटी सी दवाई के साथ, जिस दवाई का नाम है कॉलिनसोनिया। जी हाँ, आप लोग बहुत अच्छी तरह कैसे जानते हैं, मेडिसिन यूज फॉर पाइल्स, हेमरॉइड्स। लेकिन हेमरॉइड्स तो एक पैथोलॉजी है, हेमरॉइड्स तो एक एक्सप्रेशन ऑफ द मायाजम है। लेकिन कब कब कॉलिनसोनिया यूज करना है, चाहे वो हेमरॉइड्स हो या कुछ और हो, कब कब कॉलिनसोनिया का अच्छी तरीके से हम यूज कर सकते हैं, होम्योपैथिक यूज कर सकते हैं, क्या कहते हैं होम्योपैथी के सिद्धांत कॉलिनसोनिया के बारे में। जी हाँ, ये सिद्धांत शब्द सुन सुन के आप पक गए होंगे, बोर हो गए होंगे, लेकिन क्या करें, जो भी है वो यही है। इतना सिद्धांतों के ऊपर बवाल मचाने के बावजूद जो लोग हमारे साथ एक एक साल, दो दो साल काम किए हैं, वो भी कई दफ़ा दो मेडिसिन, तीन मेडिसिन दे देते हैं। इसीलिए हम बार बार एक ही एक चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, ताकि हमारे वो सबकॉन्शियस में घुस जाए और उन चीज़ों के ऊपर हम प्रैक्टिस कर पाए। सो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो www.homeopathicgurukul.com के ऊपर आप जा सकते हैं, वहाँ से सीधा हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉलिनसोनिया कब कब सोचना है, सो फर्स्ट इंडिकेशन इज चिली, सेकंड इंडिकेशन इज येलो कोटेड टंग। दूसरी कौन सी मेडिसिन में आएगा येलो कोटेड टंग? यस, वेरी गुड। और सल्फर, बिटर टेस्ट इन माउथ, मुंह के अंदर टेस्ट बिगड़ जाना। दूसरी कौन सी मेडिसिन आएंगी? चाइना, ब्रायोनिया एंड कोलोसिन, और उसके साथ कॉलिनसोनिया। पेल्विक एंड पोर्टल कंजेशन रिजल्टिंग हेमरॉइड्स एंड कॉन्स्टिपेशन स्पेशली इन द फीमेल। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल में ही कॉलिनसोनिया देना, हम गलती कहां करते हैं कि पल्सेटिला इज फीमेल मेडिसिन, कॉलिनसोनिया इज फीमेल मेडिसिन, ऐसा नहीं है। इसका इफेक्ट पोर्टल कंजेशन के ऊपर ज्यादा है, फीमेल ऑर्गेनिज्म के ऊपर ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी जगह पे इसका इफेक्ट नहीं, मालूम चल रहा है। सो पोर्टल कंजेशन और पेल्विक कंजेशन रिजल्टिंग इन हेमरॉइड्स एंड कॉन्स्टिपेशन स्पेशली इन द फीमेल्स, और फीमेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेल्स के अंदर नहीं देखने को मिलता है। प्रूराइटिस इन द प्रेगनेंसी विथ पाइल्स, और विथ पाइल्स है ना, इट इज यूज्ड एज द कॉन्कोमिटेंट फॉर प्रिस्क्राइबिंग कॉलिनसोनिया। कॉन्कोमिटेंट सबको मालूम है ना, कि ऐसे ही ऐसा कोई सिम्टम कि जो जिसका चीफ कंप्लेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। सो किसी भी कंप्लेंट के साथ अगर पाइल्स देखने को मिलते हैं, या तो इन प्रेगनेंसी विथ पाइल्स कोई भी कंप्लेंट है, तो वहां पे कॉलिनसोनिया सोच सकते हैं। सेंसेशन ऑफ शार्प स्टिक्स इन द रेक्टम, अनदर मेडिसिन इज एस्क्यूलस। लेकिन क्या डिफरेंशिएशन है एस्क्यूलस के बीच और कॉलिनसोनिया के बीच? अगर विथ ब्लीडिंग मिलता है, शार्प स्टिक्स इन रेक्टम विथ ब्लीडिंग, देन वी हैव टू थिंक कॉलिनसोनिया। और ड्राई मिलता है, मतलब ब्लीड नहीं मिलता है, ब्लाइंड पाइल्स विद शार्प स्ट्रिक्स इन द रेक्टम, एंड वी हैव टू थिंक एस्क्यूलस। मालूम चला, ये डिफरेंशिएशन एट द पैथोलॉजी है। इसको थेराप्यूटिक प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। थेराप्यूटिक का मतलब ये नहीं है कि पाइल्स का केस मिला तो एस्क्यूलस, कॉलिनसोनिया, हेमामेलिस दे दिया, नहीं। वहां पे पैथोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। एक सेंसेशन मिला शार्प स्टिक्स, दूसरा कैरेक्टर मिला ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग, तो इन दोनों के, और तीसरा लोकेशन मिला रेक्टम, तो इन तीन इंडिकेशन के बेस के ऊपर जहां पे डिफरेंशिएशन होकर मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है, उसको थेराप्यूटिक कहा जाता है। हमने थेराप्यूटिक की एक गलत धारणा बांध ली है। क्लियर हो रहा है? हमारे मतलब क्या होता है थेराप्यूटिक्स ऑफ रिंगवर्म का, मतलब कि सल्फर, सेपिया, टेलुरियम दे दिया जाए, ये थेराप्यूटिक्स नहीं है। थेराप्यूटिक्स मतलब क्या होता है कि रिंगवर्म है, रिंग के अंदर रिंग, उसके अंदर रिंग, इस तरीके का प्रेजेंटेशन है, तो वहां पे टेलुरियम सोचा जाना चाहिए। एक एक रिंग अलग अलग है, तो वहां पे सेपिया सोचा जाना चाहिए। तो इसी तरीके से हम अब बात कर रहे हैं हेमरॉइड्स या तो पाइल्स की, तो
sharp stick like pain in the rectum. It is common in Aesculus and Collinsomia both. But दोनों को differentiation कैसे किया जा सके? तो एक में bleeding मिलता है, एक में नहीं मिलता है. इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि Aesculus हर बार blind piles में prescribe हो. अगर दूसरे indication मिलते हैं तो Aesculus bleeding piles में भी दिया जा सकता है. और जरूरी नहीं है कि Collinsomia हर बार bleeding piles में ही prescribe हो. दूसरे indication मिलते हैं तो वो blind piles में भी दिया जा सकता है. लेकिन कुछ चीजें हैं जो इनकी characteristic हैं, जो ज्यादातर पाई जाती हैं, और हमें उन्हीं के ऊपर focus करना है. Sensation of weight and constriction. दूसरा कौन सा मेडिसिन आएगा? Sensation of heaviness, weight. Bryonia alba. Chronic nasal, gastric and pharyngeal cataract from portal obstruction. अब chronic nasal cataract यानी कि सर्दी जुखाम, gastric cataract यानी कि acidity, GERD ऐसा, और pharyngeal cataract. इन तीनों के अंदर हम Collinsomia को सोच सकते हैं. अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि Collinsomia मतलब piles, hemorrhoids और anorectal pathologies ज्यादातर. लेकिन not only anorectal pathology, it have affinity to act on the mucous membranes. Collinsomia का mucous membrane के ऊपर ज्यादा act है. तो जहां जहां म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां वहां हमें Collinsomia की एफिकेसी देखने को मिल सकती है, चाहे वो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन हो, गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन हो, इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन हो, या तो रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन हो. वहां पे इन्फ्लामेशन, इरिटेशन से लेके कार्सिनोमा तक कोई भी पैथोलॉजी हो लेकिन शार्प स्ट्रिकिंग लाइक पेन होता हो तो वहां पे हम Collinsomia सोच सकते हैं. क्लियर? कॉन्स्टिपेशन ऑफ चिल्ड्रन from intestinal atony, stool in form of balls, round balls, मतलब sheep dung like stool. दूसरी कौन सी मेडिसिन मिलेंगी? सेपिया, ओपियम, नेट्रम सल्फ. मालूम चल रहा है, इन सब के साथ साथ हमें Collinsomia सोचना है. हम क्या करते हैं? पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन, उसके बाद सेकेंडरी मेडिसिन आती है, उसके बाद आती है रेयर मेडिसिन. तो ये उन्हीं मेडिसिंस में से है. लेकिन ये रेयर क्यों है? क्योंकि ये रेयरली यूज होती हैं. सिर्फ पाइल्स के केसेस में थेरापोटिक प्रिस्क्रिप्शन ही किया जाता है. इसके सिवा Collinsomia का बहुत कम यूज होता है. लेकिन क्यों कम यूज होता है? क्यों? क्योंकि हम इसका यूज जानते नहीं है. जैसे जैसे हम इसका अलग अलग कंडीशंस के अंदर यूज करेंगे, इसके प्रूविंग्स बढ़ेंगे, इसके सिम्टोमेटोलॉजी हमारे पास क्लिनिकली वेरीफाइड बढ़ेंगी, तो Collinsomia भी फुली प्रूव्ड ड्रग या पॉलीक्रेस्ट ड्रग हो सकती है. मालूम चल रहा है, अब तक जितना यूज हमने सल्फर का किया है उतना Collinsomia का नहीं किया है, क्योंकि सल्फर की सिम्टोमेटोलॉजी हमारे पास बहुत है, Collinsomia की रेयरली एक दो पन्ना ही है. सल्फर के 80 पेज हैं, तो 80 पेज हैं तो वो हमें दिखेंगे भी ज्यादा ना. 80 पेशेंट में सल्फर दिखेगी, Collinsomia 80 जेम 1, 80 सल्फर प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, उसके सामने एक Collinsomia का होगा. क्लियर हो रहा है? तो अब इसको हम किस तरीके से ज्यादा यूज कर सकते हैं? तो जब जब हम इसके इंडिकेशन पढ़ेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो ही हम Collinsomia को यूज कर पाएंगे. Collinsomia यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं, हमारा मतलब है ऐसी मेडिसिन जो कम यूज होती है. हर बार पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन से रिजल्ट ना भी मिले तो हम तब इन मेडिसिन्स को देखेंगे. साइड टू बी स्पेसिफिक वैल्यू व्हेन गिवन बिफोर ऑपरेशन फॉर द रेक्टल डिसीज. अब इसका अनहोमियोपैथिक यूज है, जिसको हम एक्सपीरियंस बेस्ड यूज कह सकते हैं, कि एनोरेक्टल ऑपरेशंस करवाना हो या एनोरेक्टल कोई भी सर्जरी होती हो, उससे पहले अगर Collinsomia दिया जाए तो ब्लीडिंग कम होता है, या तो रिकवरी फास्ट होती है, या तो रिकवरी में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम है. ये किसी डॉक्टर का अपना अनुभव है, इसको हम होम्योपैथिक यूज नहीं कह सकते. मालूम चल रहा है, यूज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड यूज ऑफ होम्योपैथिक प्रिंसिपल बोथ आर डिफरेंट. दोनों एक अलग अलग है. Collinsomia को रेक्टल एनोरेक्टल सर्जरी से पहले देना, ये Collinsomia नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज है, ये होम्योपैथिक सिद्धांतों का यूज नहीं है. क्लियर हो रहा है? हम बार 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 सिद्धांतों की बात कह रहे हैं, लेकिन साथ में आपको एक्सपीरियंस भी सिखा रहे हैं कि होम्योपैथी की एक अपनी स्फीयर ऑफ एक्शन है,
एक अपना काम करने का अपना एक प्लान है। होम्योपैथी उसी जगह पे काम करेगी, लेकिन अब सर्जरी फाइनल हो चुका है। अब हम उस एरा में जी रहे हैं जो सर्जिकल एरा है, जहाँ पे सर्जरियाँ बहुत कॉमन है, और आपके पास कोई मरीज है जिनको एनोरेक्टल कार्सिनोमा है और उनका सर्जरी होने को जा रहा है, तो वहाँ पे कोलेंसोनिया का प्रयोग किया जा सकता है। और हम अपने एक्सपीरियंस से अगर आपको थोड़ी टिप्स दें तो कोलेंसोनिया यूज्ड इन द मदर टिंचर और लोअर पोटेंसी, कोलेंसोनिया Q, 3X, 6X, 12X और 2C, 3C इतने में हम यूज करेंगे तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा वहाँ पे। मालूम चल रहा है, रादर यूज्ड इन 1M पोटेंसी और 200 और 30। क्यों ऐसा क्यों? हम इसका होम्योपैथिक यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसका यूज कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल एक्शन के लिए, कि कोलेंसोनिया को एनोरेक्टल एरिया के अंदर उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन ज्यादा है, वो वहां पे ब्लीडिंग कम करवाएंगी और हीलिंग बढ़वाएंगी, तो उसके लिए हमें लार्ज क्रूड फॉर्म के डोज में देना चाहिए रादर अ डायनेमिक डोज। लेकिन जब हमें कॉन्स्ट्रिक्शन मिले, जब हमें शार्प स्टिक लाइक पेन मिले, येलो कोटेड टंग मिले, तो हमें वही कोलेंसोनिया 30, 200 या 1M पोटेंसी तक देनी चाहिए। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है पोटेंसी सिलेक्शन। पोटेंसी सिलेक्शन होम्योपैथी के अंदर हम कुछ दूसरी मेडिसिन की तरह, दूसरी पद्धतियों की तरह mg पर kg या पर्टिकुलर डोज में हम उसको सेट नहीं कर सकते, क्योंकि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, केस टू केस सब कुछ बदलेगा। लेकिन ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इंडिकेशन है कि साइट टू बी और स्पेसिफिक वैल्यू व्हेन गिवन बिफोर ऑपरेशन ऑफ द रेक्टल डिजीज, तो हमारा अनुभव कहता है कि वहां पे उसको रिपीटेड डोज में Q, 3X, 6X ऐसी पोटेंसी में दी जाएंगी तो उसका इफेक्ट हमें ज्यादा मिलेगा। क्लियर? अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया विथ ग्रेट फ्लैचुलेंस, दूसरी मेडिसिन सल्फर नॉक्स, एलो सोकोट्रीना और उन सब के साथ साथ अब कोलेंसोनिया, इचिंग ऑफ एनस एंड वल्वा। अब आपके पास मरीज आते हैं, स्पेशली बच्चे जिनको क्या होता है वर्म्स, और उनको एनस इचिंग रहता है, बच्चे का येलो कोटेड टंग है, मेडिसिन कैन बी कोलेंसोनिया। अब हम कहेंगे कि इट इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर फीमेल, जरूरी नहीं है कि हर बार फीमेल ही हो, बच्चों के अंदर भी प्रयोग किया जा सकता है। इचिंग ऑफ वल्वा, मोस्ट ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन विथ प्रोट्रूडिंग पाइल्स। क्लियर हो रहा है प्रोट्रूडिंग का मतलब क्या? जो एनस के अंदर से बाहर आ रहे हैं, हम अगर उसको मॉडर्न मेडिसिन की तरफ से पढ़े तो फर्स्ट डिग्री पाइल्स, सेकंड डिग्री पाइल्स और थर्ड डिग्री पाइल्स। थर्ड डिग्री पाइल्स का मतलब क्या होता है कि जो एनस से प्रोट्रूड होके बाहर ही रहते हैं, सो थर्ड और फोर्थ डिग्री पाइल्स के दौरान हम कोलेंसोनिया सोच सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड डिग्री पाइल्स में नहीं सोचना है, लेकिन अगर पाइल्स बाहर प्रोट्रूड हो रहे हैं, बाहर निकल, दूसरी मेडिसिन एलो सोकोट्रीना लाइक ग्रेप्स ऑफ बंच मिलता है ना, तो अगर ऐसा देखने को मिलता है, अगर ग्रेप्स ऑफ बंच देखने को मिला, हॉट मरीज है, तो वहां पे एलो सोची जानी चाहिए, चिली मरीज है तो कोलेंसोनिया सोची जानी चाहिए। मालूम चल रहा है, ये डिफरेंशिएशन सीखना है हमें, यही होम्योपैथी। वो डिफरेंशिएशन चाहे पैथोलॉजी के लेवल के ऊपर हो, जनरल्स के लेवल के ऊपर हो, मेंटल के लेवल के ऊपर हो, डेल्यूजन के ऊपर हो, या इससे भी ऊपर कुछ भी हो, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कंफ्यूजन बढ़ेंगे, और आपको हायर स्किल्स चाहिए डिफरेंशिएशन करने के लिए। आपको ये पाइल्स प्रोट्रूड हैं या नहीं है ये डिफरेंशिएशन करने के लिए कोई स्किल चाहिए नहीं, सिर्फ देख के भी मालूम हो सकता है ना कि यहाँ पे पाइल्स दिख रहे हैं और नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मरीज चिली है या हॉट है ये डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें थोड़ी अपनी स्किल्स चाहिए। इससे भी आगे जाके वो उसके मेंटल्स डिफरेंशिएट करने हैं तो और ज्यादा स्किल चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि सरल होम्योपैथी यूज कीजिए, जहाँ पे हमें बहुत कम एक्सपीरियंस की, बहुत कम नॉलेज की, बहुत कम जजमेंट की और बहुत कम डिसाइड करने की आवश्यकता हो, वैसी होम्योपैथी करनी चाहिए, रादर कि जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़े।
क्योंकि हमें मेडिसिन किसके लिए चूज करनी है, हमारे लिए या मरीज के लिए? मरीज के लिए ना। तो हमारा इन्वॉल्वमेंट जितना कम होगा उतनी मेडिसिन अच्छी चूज कर पाएंगे, जितना हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो मेडिसिन मरीज की नहीं हमारी निकलेगी, और यही ज्यादातर हम भूल करते हैं। मोस्ट ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन विथ प्रोट्रूडिंग पाइल्स, कफ फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वॉइस स्पेशली मिनिस्टर्स सोर थ्रोट। दूसरी कौन सी मेडिसिन है? अर्जेंटम मेटालिकम, कॉस्टिकम, और अभी अभी थोड़े दिन पहले ही हमने पढ़ा है, किसी भी ऑर्गन का बहुत ओवर यूज होने के बाद। यस, वेरी गुड, सेलेनियम। सो कफ फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वॉइस, तो ये वही इंडिकेशन है, मालूम चल रहा है, सिर्फ उसका स्वरूप बदल गया। यस, कोका, स्वरूप बदल गया, बात वही है, सत्य वही है। सो अगेन, अगर किसी भी ऑर्गन का बहुत यूज किया जाए और उसके बाद दिक्कतें शुरू हो, तो वहां पे सिलेनियम के साथ साथ कोलनसोनिया भी सोचा जा सकता है। सो आपने बहुत मीठा खाया, ओबेसिटी बढ़ गई और पैंक्रियाज के बीटा सेल हैं वो थक गए, तो वहां पे सिलेनियम के साथ साथ कोलनसोनिया भी सोची जानी चाहिए। सो पाइल्स का मतलब क्या होता है कि आपने इतना खाना खाया और रेक्टम से इतना काम करवाया है कि अब रेक्टम के मसल उसको बाहर निकालते निकालते थक गए हैं, तब जाके पाइल्स डेवलप होते हैं। सो आपको मिलते हैं कि हेमरॉइड्स, स्पेशली इन द केसेस ऑफ पेशेंट हु हैव अ डायबिटीज मेलिटस, देन इट इज अ इंडिकेशन फॉर कोलनसोनिया। मालूम चल रहा है, क्लियर हो रहा है? इम्पोर्टेंसी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन द पर्सन हु हैव अ डायबिटीज मेलिटस, वी कैन थिंक ऑफ सिलेनियम। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशन इस तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। डायबिटीज के लिए वहां पे आपने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम डिफाइन किया हो, सल्फर या लाइकोपोडियम या एनीथिंग एल्स, लेकिन ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन डायबिटीज में अच्छा है, जनरलिटीज इंप्रूव हो रही है, लेकिन वो जो पाइल्स बाहर है ना उनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर हो रहा है? या तो डायबिटीज काबू में आ रहा है, वेट लॉस भी कम हो रहा है, वेट स्टेबल हो गया, लेकिन वो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ना उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और तब जाके आपको कुछ ऐसी मेडिसिन सोचनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है? हर बार अगर वो 30-40 मेडिसिन से सब कुछ सॉल्व हो जाता तो इन सब मेडिसिन की कोई आवश्यकता नहीं बनती है। वाइटल फोर्स इतना वीक है कि अब उसको सिर्फ ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन से स्टिम्युलेट करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे भी हमारी बात के ऊपर गौर कीजिएगा, इंडिकेशन बेस्ड मेडिसिन होनी चाहिए। ऐसे ही सिर्फ पाइल्स मतलब कोलनसोनिया या एस्क्यूलस दे देना ये नहीं है। क्लियर? हम कोलनसोनिया को कभी थ्रोट में सोच ही नहीं सकते, मालूम चल रहा है? हम इसको सिर्फ रेक्टम वाली दवाई बनाकर ही रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ओवर यूज ऑफ वॉइस होने के बाद हॉर्सनेस हो गया है या कफ आने लगा है, खांसी हो रही है और येलो कोटेड टंग और चिली मरीज मिला, तो वहां पे हम कोलनसोनिया सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन का दिक्कत है, किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ओवर वर्क हो जाना और उसके बाद दिक्कतें शुरू होना, वी कैन थिंक ऑफ कोलनसोनिया। जरूरी नहीं है कि वो पाइल्स भी हो। क्लियर? आफ्टर हार्ट सिम्टम रिलीव्ड, पाइल्स एंड मेंसिस रिटर्न। सो अल्टरनेटिंग ऑफ द कंप्लेंट कहां का मिला था हमें? एक कंप्लेन का अच्छा हो जाना, दूसरे का अपीयर होना, और इसको हम क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं अपीयरिंग ऑफ द डिस्चार्ज रिलीव द कंप्लेन। वैसे मेरे बीपी है ना डॉक्टर साहब बढ़ जाता है, धक धक होने लगता है, लेकिन जब जब भी महावारी आती है ना तो मुझे अच्छा लगता है, वो कम हो जाता है। या तो डॉक्टर साहब मुझे हृदय में धक धक होने लगता है, लेकिन अगर संडास की जगह से खून निकल जाए ना तो मुझे अच्छा लगता है, ये क्या है? मालूम चलता है वो वन टाइप ऑफ डिस्चार्ज है, जो रिलीव हुआ तो उसको वाइटल ऑर्गन को अच्छा लगता है।
और एक हमारा अनुभव है कि जिन जिन लोगों के अंदर पाइल्स हेमरॉइड सप्रेशन का हिस्ट्री मिलता है उन लोगों को इन फ्यूचर हृदय हार्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स देखी गई है। सो सप्रेशन कॉजेस हार्ट कंप्लेंट, इसको अगर उल्टी तरीके से देखें तो सप्रेशन ऑफ पाइल्स कॉजेस हार्ट कंप्लेंट, वहां पे भी कोलेंसोनिया सोचा जा सकता है। लेकिन अगेंस्ट दूसरी बात, वहां पे भी कोलेंसोनिया को 3C, 6C, 12C या ज्यादा से ज्यादा 30 पोटेंसीज के अंदर यूज किया जा सकता है, क्योंकि सप्रेशन बहुत तरीके से होते हैं, मेडिसिनल सप्रेशन, नेचुरल सप्रेशन और सर्जिकल सप्रेशन। किसी भी तरीके से अगर हेमरॉइड्स या तो पाइल्स का सप्रेशन किया गया और उसके बाद कार्डियोमायोपैथी या हाइपरटेंशन या तो वाल्वुलर हार्ट डिजीज कुछ भी डेवलप हुआ तो वहां पे हमें क्योर एक सर्टेन हद तक मिलेगा। अगर सर्जिकल सप्रेशन किया गया है तो क्योर वहां पे नहीं मिल सकता है, हमें वहां पे मायाजम को सिर्फ मेंटेन करना है और हृदय को जितने दिन तक बचा सकें उतने दिन तक बचाना है, तो वहां पे भी हम कोलेंसोनिया यूज कर सकते हैं। चेस्ट पेन अल्टरनेट विथ हेमरॉइड्स, मालूम हुआ कि अगर चेस्ट पेन है तो हेमरॉइड नहीं है, हेमरॉइड है तो चेस्ट पेन नहीं है। ड्रॉपसी फ्रॉम कार्डियक डिजीज, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इडिमा आफ्टर हार्ट डिजीज, हम कोलेंसोनिया कभी सोचते नहीं है। अगर हार्ट कंप्लेंट है तो क्रेटेगस डिजिटालिस, फिर ऐसी मेडिसिन जो स्पेसिफिक हार्ट के ऊपर ही एक्शन देती हैं, वही हम सोचते हैं, लेकिन वहां पे भी कोलेंसोनिया सोचा जाना चाहिए। क्लियर हो रहा है? डिजायर फॉर चीज, स्लाइटेस्ट मेंटल इमोशनल एक्साइटमेंट एग्रावेट द सिम्टम, हेडेक फ्रॉम सप्रेस्ड हेमरॉइड्स, नॉट ओनली हेडेक, एनी कंप्लेंट फ्रॉम सप्रेस्ड हेमरॉइड। दूसरी मेडिसिन नक्स वोमिका, एस्क्यूलस, सल्फर, कैल्केरिया काब, जो हेमरॉइड्स को सप्रेस करने के बाद दिक्कतें शुरू हुई हैं, नेट्रम म्यूट, तो वहां पे भी हम कोलेंसोनिया सोच सकते हैं। वो चाहे हेडेक हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे कार्डियक डिसीज हो, चाहे डायबिटीज मलाइटस हो, कुछ भी हो, हेमरॉइड सप्रेस करने के बाद अगर दिक्कतें शुरू हुई हैं तो वहां पे कोलेंसोनिया सोचना है। एलमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड मेंसिस, नॉट ओनली हेमरॉइड्स लेकिन मेंसिस को भी सप्रेस करने के बाद, अभी अभी ये दौर बहुत चला है कि हम इंसान है ना, क्या करते हैं, सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहते हैं, हमें कुदरत के ऊपर, मदर नेचर के ऊपर या भगवान के ऊपर या गॉड के ऊपर विश्वास नहीं है, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उसकी जो साइकिल चलती है ना उसके अंदर हम विक्षेप कर रहे हैं। हमें महावारी मेंसिस भी अपने कंट्रोल में चाहिए कि हमारे घर पे है ना अभी शादी है सो अभी मैं मेंसिस नहीं चाहती हूँ, सो हम क्या करते हैं, वो गोलियां ले लेते हैं, क्यों, हमें कुदरत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि वो अपनी साइकिल के अनुसार जब भी महावारी देगा वो योग्य नहीं, मेरे कंट्रोल में, मैं चाहूं तब महावारी न आए, मैं चाहूं तब आए। या तो ऐसे भी मरीज हमारे पास कहीं आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे घर में कुछ प्रसंग है और उसी में मेरी डेट्स आ रही हैं, तो ऐसी दवाई दीजिए कि डेट्स जल्दी आ जाए। आप डिसाइड करेंगे कि डेट्स कब आए कब न आए, जल्दी आए लेट आए, ये सब क्या होगा, सप्रेशन ऑफ द मेंसिस, कुदरत का जो साइकिल चल रहा है उस साइकिल के अंदर विक्षेप होना। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे सिर्फ मेंसिस नहीं, किसी भी डिस्चार्ज को सप्रेस करने के बाद अगर कोई भी दिक्कतें शुरू हुई हैं तो वहां पे भी हम कोलेंसोनिया सोच सकते हैं। वो उसको फीवर को सप्रेस किया या तो पर्सपिरेशन को सप्रेस किया, डायरिया को चेक्ड किया, चेक्ड डायरिया, मालूम चल रहा है, ऑटोरिया को सप्रेस किया, किसी भी डिस्चार्ज को अगर सप्रेस किया और उसके बाद दिक्कतें शुरू हुई तो वहां पे भी कोलेंसोनिया सोचा जा सकता है। एग्रावेशन फ्रॉम ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, इट इज व्हाई इट इज फीमेल रेमेडी, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर प्रेगनेंसी के इंडिकेशन इसके अंदर है, तो ये प्रेगनेंसी किसको होती है, फीमेल्स को ही होती है, तो वहां पे ये ज्यादा यूज होती है, तो कुछ समय के बाद हमने इसको ऊपर लेबल लगा दिया कि इट इज फीमेल मेडिसिन, ऐसा कतई नहीं है। मेंटल और इमोशनल एक्साइटमेंट के बाद भी एग्रावेशन मिलता है। एमेलोरेशन फ्रॉम हीट, अब हमें ऐसा केस मिले कि हाइपोथायरॉइडिज्म है, डिलीवरी के बाद शुरू हुआ, ड्यूरिंग डिलीवरी मुझे पाइल्स की दिक्कतें शुरू हो गई थी, तो वहां पे वी हैव टू थिंक कोलेंसोनिया इन द केस ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म। गेस्टेशनल हाइपोथायरॉइडिज्म है या गेस्टेशनल डायबिटीज है या तो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, तो वहां पे भी हम
कोलनसोनिया सोच सकते हैं, पल्सेटिला, सेपिया, इन सब के साथ साथ दूसरे इंडिकेशन मिलने चाहिए। कोलनसोनिया से हमें ये सीखने को मिलता है कि बने तब तक हमें सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने की ट्राई नहीं करनी चाहिए। यही मायाजम है जो सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहता है। मैं चाहूं तब मेंसिस आए, मैं चाहूं तब बंद हो जाए, मैं चाहूं तो लेट हो जाए, मैं चाहूं तो अर्ली हो जाए, जरूरी नहीं है। उसी तरीके से संतान के अंदर भी हम वैसा ही देखने को मिल रहा है अभी। इसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग। हम जब चाहें तब संतान हो, हम चाहें तो ना हो, हम जिस जेंडर का चाहें उस जेंडर का हो, हम जब चाहें तब डिलीवरी हो जाए, ये सब अननेचुरल थिंग्स हैं। और अननेचुरल थिंग्स प्रोड्यूस डिसीज। क्लियर हो रहा है? इसके आगे और भी देख सकते हैं कि हम जब चाहें तब हमें नींद आ जाए, हम जब चाहें तो नींद ना आए, हम जब चाहें तब हमें भूख लगे, ऐसा नहीं होता है। दूसरे सारे जीव हैं वो भूख लगती है तब खाना खाते हैं, मनुष्य एक ऐसा जीव है जो घड़ी देख के खाना खाता है। हमारी साइकिल है वो कुदरत के हाथ में है, कुदरत भूख लगाती है, हंगर हमें महसूस होती है। इसका मतलब क्या कि हमारे शरीर को अब खाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, 12 बज गए, लंच ब्रेक हुआ, चलो खाना खा लेते हैं। इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल। आप सोचिए, होम्योपैथी एक ऐसा विज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये हमें क्या करता है, एपोरिज्म नंबर 4, होम्योपैथ शुड बी प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। मालूम चल रहा है, हमें डिसीज के बारे में भी बताता है, हेल्थ के बारे में भी बताता है, और किस तरीके से हम उस हेल्थ को प्रिजर्व कर सकें, हमारे लोग बीमार ना हो, उसके बारे में भी बताता है। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया है, वैसे वैसे मनुष्य को ऐसा हो गया है कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ। उस मैं आई, उसको जितना हम सरेंडर करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। मैं जब चाहूँ तब मैं लीवर बदल सकता हूँ, मैं हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर सकता हूँ, मैं जी सकता हूँ, मैं कुदरत से ज़्यादा जी सकता हूँ, अब मैं कुदरत से ऊपर हो गया हूँ, मैंने डेथ को डिले कर दिया है। यस, वी कैन डिले द डेथ बट वी कैन इंक्रीज द सफरिंग। जितना भी हम डेथ को डिले करेंगे उतना हम सफरिंग को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। सोचना हमें है कि हमें क्या करना है। क्या नर्क वो है जहाँ पे मरने के बाद तला जाता है, या नर्क वो है कि जहाँ पे रोज सुबह उठ के इतनी गोलियाँ खाई जाती हैं। धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन।